गश्त के बहाने आराम फरमाने वाले पुलिस अधिकारियों की अब चैन उड़ने वाली है। जल्द ही पटना पुलिस की गाड़ियां जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस होगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएसपी गरिमा मलिक को जीपीएस लैस गाड़ियों की ट्रैकिंग और उससे होने वाले फायदों के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस वाहनों में जीपीएस लगना शुरू हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक पुलिस की 200 से अधिक वाहनों को जीपीएस इनेबल किया जाएगा। जिला पुलिस के कंट्रोल रूम से इसे मॉनिटर भी किया जाएगा। अब थानेदार झूठ नहीं बोल सकेंगे। जी हाँ, अक्सर ये देखा गया है जब वायरलेस पर थानेदार या किसी गश्ती गाड़ी का लोकेशन लिया जाता है तो संबंधित अधिकारी झूठ बोल जाते हैं। वे घर में भी होते हैं तो खुद को गश्त में दिखा देते हैं, लेकिन जीपीएस इनेबल होने के बाद झूठ की खेती बंद हो जाएगी। अधिकारी जिस गश्ती गाड़ी का मूवमेंट देखना चाहेंगे उसे झट से देख पाएंगे। इंजन बंद है या चालू इस बात की भी मैप से जानकारी मिलेगी। लॉगिन करते ही अधिकारी जान पाएंगे कि उनके क्षेत्र में कितनी गश्ती गाड़ियां एक्टिव है। गाड़ियों का इंजन बंद है या चालू इस बात की जानकारी भी मैप पर मिल जाएगी। जिस गाड़ी का इंजन बंद रहेगा उसके आगे लाल रंग का नोटिफिकेशन आता रहेगा, वहीं चालू इंजन वाली गाड़ियों के आगे हरे रंग का नोटिफिकेशन दिखता रहेगा। एसएसपी, एसपी, डीएसपी और थानेदार करेंगे मॉनिटर। जिला पुलिस के 74 थानों की गाड़ियां जीपीएस इनेबल होंगी। जीपीएस युक्त गश्ती गाड़ियों को एसएसपी, सभी एसपी, डीएसपी और थानेदार मॉनिटर करेंगे। पुलिस अनुमंडल स्तर पर वर्चुअल सेक्टर बनाया जाएगा। सभी एसपी, डीएसपी और थानेदार को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। लॉगिन करते ही संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र की गश्ती गाड़ियों का लोकेशन देख सकेंगे।